हेलो स्टूडेंट्स आई विल स्टार्ट द संस्कृत चैप्टर वन वंदना द फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट द फर्स्ट लोक या देवी सर्वूतेषु विद्यूपेण संस्थिता नमस्त 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 नमो नमः। Then I can see the Meaning of slok. Yadevi means the goddess. Sarva Bhuteshu means in all animals. Vitya means in the form of learning. Sansita means exist. Tasme means her. Namah means moving. Then Two times again, Namasthe, Namasthe means bowing again and again. Namo Namah. Okay. The translation is this: "Lock bowing, bowing again and again to the goddess exist in the form of learning in all animals." द सेकेंड श्लोक इज पठा संस्कृतम नित्यम वा मैं संस्कृतम सदा ध्यायामी संस्कृतम सम्यक वंदे संस्कृत मातरम पठा मी मीन्स रीड और लर्न हम जो भी कहते हैं वो चल ठीक है लर्न बोले तो वही होगा और रीड बोले तो भी वही होगा संस्कृतम मीन्स लैंग्वेज ऑफ संस्कृत नित्यम मीन्स ऑलवेज सदा वदामी मीन्स स्पीक हम जो बोलते हैं उसको वदामी कहते हैं संस्कृत में स्पीक संस्कृतम मींस द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत सदा मीन्स ऑलवेज नित्यम और सदा दोनों का मीनिंग एक ही होता है ऑलवेज ध्यामी मीन्स मेडिटेड और कॉन्सेंट्रेट जो भी बोलो वो सही है संस्कृतम मीन्स द लैंग्वेज ऑफ संस्कृत सम्यक मीन्स वेल वंदे मीन्स नमामि बोलो या बो बोलो तो भी चलेगा संस्कृत मातरम मीन्स द मदर संस्कृत लैंग्वेज द ट्रांस द ट्रांसलेशन ऑफ स्लोक इज आई ऑलवेज रीड और स्टडी और लर्न संस्कृत आई ऑलवेज स्पीक संस्कृत आई मेडिटेट और कॉन्सेंट्रेट संस्कृत वेल आई बो टू द मदर संस्कृत लैंग्वेज अंडरस्टैंड द थर्ड वन इज शुभम करो तो कल्याणम आरोग्यम धन संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर गुड बोलो या धैन uh, करो तो मीन्स डू हम जो कोई कार्य करते हैं उसको क्या बोलते हैं डू ओके कल्याणम मींस वेल विशिंग आरोग्यम मींस हेल्थ धन संपदम मींस वेल्थ बच्ची शत्रु बुद्धि विनाशाय फॉर डिस्ट्रिक्शंस ऑफ एनिमीज एविल थॉट्स दीप ज्योतिर मींस लस्टर ऑफ़ द लैम्प नमोस्तुते Means bowing to you. Okay, the translation is luster of the lamp do good or auspicious uh, well, wishing healthy and wealthy, bowing to you for destructions of enemies' evil thoughts. देन फोर्थन इज मू मूकल पंगुलध्यते गिदी यम वंदे परमांदमाधव देफ ऑल इज मूक मीन्स टू द डति वाचाला मीन्स मेक् स्पीकिंग वाचल मीन्स स्पीकिंग पंगु मीन्स टू द देंडिकैप्ड लद्यते मीन्स मेक्स क्रॉसिंग्स और क्लाइंबिंग क्लाइंबिंग गिरी मीन्स माउंटेन यी वुज ग्रेस तमह तमहम वंदे मीन्स I bow. Parmananda Madhavam means to the delightful god Vishnu. The translation is I bow to the delightful god Sri Vishnu, whose grace make the dumb speaking and gives strength of crossing or climbing a mountain to the handicapped.